हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। रेल मंत्री के द्वारा जो है एक इंटरव्यू में बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है नई वैकेंसीज को लेके, कि आगे की जो प्रक्रिया रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया होने वाली है वो किस तरीके से होने वाली है और क्या वैकेंसीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसका अंदाज़ा आप इस इंटरव्यू से लगा सकते हैं। और क्या JEE और SSC की वैकेंसीज जो है फरवरी में रिलीज होगी कि नहीं होगी, चलिए पहले उनका इंटरव्यू सुनते हैं, उसके बाद ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड the employment process for 150,000 new employees, and immediately after concluding that we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories and also in group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. देखिए, इनके इंटरव्यू से साफ ये झलक रहा है कि देखो वैकेंसीज टेक्निकल की भी आएगी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भी आएगी, ग्रुप डी की भी आएगी। इनका कहना है कि अब सारा जो बंच एक साथ हो जा रहा था मर्ज होके रेलवे को उस एग्ज़ाम प्रोसेस करवाने में, इसके लिए इनका कहना है कि ईयरली करवाएं। देखो ईयरली SSC जिस तरीके से ईयरली एग्ज़ाम करवाती है तो रेलवे करवा पाएगी कि नहीं करवा पाएगी बहुत मुश्किल है। अभी जिस तरह से आप लोगों ने जो है ट्विटर कैंपेन किया, फिजिकल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है, तब जाके जो है रेलवे मंत्री को अब लग रहा है कि हाँ, मतलब क्या कि एग्ज़ाम जो है ईयरली होना चाहिए। इसका पहले तो इन्होंने कभी नहीं बताया कि हाँ यार ईयरली एग्ज़ाम होना चाहिए। तो ALP को जो अभी 5696 वैकेंसीज आई है यार, ये तो इंक्रीज़ होना ही चाहिए। अब देखो क्या होता है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट मान लो अभी लड़कों लोग चालू किए हैं, अगर ये अगर लार्ज स्तर पर मान लो अगर कर देते हैं तो मे भी चांसेस है कि उनकी वैकेंसीज बढ़ भी सकती है। ये सारा चीज़ अब डिपेंड करने वाला है भाई कि रेल मंत्री की वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्विटर कैंपेन हो चाहे आपका फिजिकल प्रोटेस्ट जो है, इसकी आवाज़ आप लोगों की जो आवाज़ है रेल मंत्री के पास पहुंचा है, तभी जाके ये इनका कहना है कि जो टेक्निकल कैटेगरीज है जैसे JEE या SSC है, इसकी वैकेंसीज की जो अपॉर्चुनिटी जो इन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। मुझे तो लगता है फरवरी मंथ में ही आपको फर्स्ट वीक के आसपास मुझे लगता है JEE या SSC की वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो इनको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये 6 ईयर्स के बाद जो है नई वैकेंसीज को लाते हैं। ठीक है, ईयरली आप करोगे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी कम आप वैकेंसी मत निकाल दोगे ताकि लोग जो हताश हो जाए और भाई फिर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि रेल मंत्री जो है नई वैकेंसीज को बढ़ाएंगे और आप लोगों का एक बहुत बड़ा बोल सकते हो ट्विटर कैंपेन वगैरह का जो सफल आप लोगों ने आंदोलन किया उसी का आज नतीजा है कि जो है रेल मिनिस्टर को भी आके इस वैकेंसीज को लेके जो उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आपकी क्या राय है, ईयरली एग्जामिनेशन जो अगर रेलवे करवा रही है तो वो अच्छी बात तो है ही, बट न्यू वैकेंसीज भी बढ़नी चाहिए जो अभी आई हुई है ALP की या जो आने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।